बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ समरी रिवीजन ऑफ ब्लड वेसल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लड वेसल वाले चैप्टर की समरी को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपने वेस्कुलर पैथोलॉजी को कवर करना है। वेस्कुलर पैथोलॉजी के अंदर हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ओके, वास्कुलाइटिस, वेन्स लिम्फैटिक्स के डिसऑर्डर है और लास्ट में ट्यूमर्स है। तो सबसे पहला ये आता है कि कॉन्सेप्ट वेस्कुलर स्ट्रक्चर का। तमाम वेसल कैपिलरी के अलावा वेन्स, आर्टरीज, इनके पास थ्री लेयर आर्किटेक्चर होता है। यानी जो इंटरनल लेयर होती है उसको इंटीमा कहता है, और जो मीडियल लेयर होती है या जो मिडल लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो आउटर लेयर होती है उसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। ट्यूनिका इंटीमा के अंदर एंडोथीलियम सेल होते हैं, ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल होते हैं, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी के जो स्मूथ मसल सेल होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो वेरी करता होता है डिपेंडिंग अपॉन इनकी कितनी डिमांड है, लाइक प्रेशर के ऊपर और पल्सिटैलिटी के ऊपर और फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, ठीक हो गया। आगे इनकी डिफरेंट इंजरीज लिखी हुई है कि हर वेसल की स्पेसिफिक इंजरी है। आर्टरी की डिफरेंट होती है, वेन्स की डिफरेंट होती है, कैपिलरीज की डिफरेंट होती है। अब हम आ जाते हैं रिस्पॉन्स ऑफ वास्कुलर वाल सेल टू द इंजरी। आपको पता है कि इंटरनल लेयर पर एंडोथीलियल सेल्स होती है। ओके, अब जो एंडोथीलियल सेल्स होती है उनके पास होम्योस्टैटिक प्रॉपर्टीज होती है। ओके, होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना होता है। ये हीमोस्टैटिक नहीं है, होम्योस्टैटिक होती है। ओके, जो एंडोथीलियल सेल्स का फंक्शन होता है वो हाईली टाइटली रेगुलेटेड होता है। ओके, अब इनके कुछ फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन होती है और इनके कुछ फंक्शंस होती है जिसको आपने इस टेबल से कवर करना है। ओके, फिर आप हाइपरटेंशन की तरफ आ जाते हैं। हाइपरटेंशन को दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी को मजीद रीनल, एंडोक्राइन, कार्डियो, वास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं हाइपरटेंशन में। तो जो हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन को वही दो में डिवाइड किया हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी है। जो हाइपरटेंशन होती है सिंगल जीन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकती है जो कि प्राइमरी होती है, या किडनी, एड्रिनल या एंडोक्राइन ऑर्गन्स की वजह से हो सकती है जो कि सेकेंडरी होती है। ओके, जो सस्टेंड हाइपरटेंशन होती है उसके लिए आपको किडनी की पार्टिसिपेशन चाहिए। यानी होता ये है कि अगर किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो किडनी क्या करती है, साल्ट और वाटर की रिटेंशन करती है। ओके, ठीक हो गया। और जो किडनी होती है वो हाइपरटेंशन को रिस्पॉन्ड करती है साल्ट और वाटर को रिमूव करने के बाद। लेकिन एक मरतबा हाइपरटेंशन स्टैब्लिश हो जाती है तो ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये प्रेशर बना देता है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ना है, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस है। नेक्स्ट टेबल है वो है रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज, फैमिली हिस्ट्री, एज और जेंडर आ जाता है, मेल जेंडर। मॉडिफाइबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसमें हाइपरलिपिडीमिया यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं इसके समरी की तरफ। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है उसमें इंटीमा के अंदर लीजन्स होती है, और जो इंटीमल लीजन होती है एथेरोमा बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, फाइब्रस कैप और उसका कोर होता है। जो प्लाक के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो स्मूथ मसल सेल होते हैं, ईसीएम होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल होता है, कैल्सिफिकेशन होती है, लिपिड होता है, नेक्रोटिक डैमेज होता है। जो एथेरोजेनेसिस है वो वेसल वाल इंजरी और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं लेकिन सबके सब एंडोथीलियल सेल की डिसफंक्शन करवा देते हैं, स्मूथ मसल की रिक्रूटमेंट कराते हैं, स्टिमुलेशन करवा देते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कभी भी जल्दी से ग्रो नहीं करता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता होता है। ओके, जो स्टेबल प्लाक्स होते हैं वो क्रॉनिक इस्कीमिया कराते हैं, वेसल्स के ल्यूमेन को नैरो कर देते हैं। लेकिन जो अनस्टेबल प्लाक्स होते हैं वो फैटल कॉम्प्लिकेशन करवा देते हैं, लाइक प्लाक का रप्चर, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलाइजेशन होती है। जो स्टेबल प्लाक होते हैं उनका डेंस फाइबरस कैप होता है। ओके, जबकि अनस्टेबल का थिन कैप होता है। स्टेबल प्लाक का जो लिपिड का एक्युमुलेशन है वो कम होती है लेकिन अनस्टेबल की बहुत सारी होती है। स्टेबल प्लाक के अंदर इन्फ्लेमेशन रिलेटिवली कम होती है लेकिन अनस्टेबल के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है एनोरिज्म डाइसेक्शन है। एनोरिज्म कॉन्जेनिटल या एक्वाइड डायलेशन होती है किसकी, ब्लड वेसल की होती है, जो कि इंटायर थिकनेस को इन्वॉल्व करती है। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो रप्चर, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलाइजेशन है, बिल्कुल वही जो हमने पीछे पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर। डाइसेक्शन जब होती है जब ब्लड वेसल की वाल में एंटर होता है और लेयर्स को डाइसेक्ट करता है,
स्पेसिफिकली बिटवीन द लैमेले, जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो रप्चर या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, जो एनोरिज्म और डाइसेक्शन होता है इस वेसल वाल की स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से होता है, लाइक अगर TGF ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की सिग्नलिंग खराब हो गई है, या स्मूथ मसल का लॉस हो गया है, या ECM में चेंज आना शुरू हो गया है ड्यू टू मार्फन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैस्कुलाइटिस। तो जो वैस्कुलाइटिस वाला टॉपिक है, वैस्कुलाइटिस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल है, तो ये सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेजेंटेड करता है, लाइक फीवर, मलेस, माइल्जी, आर्थरलजी होता है और ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्गन की सप्लाई को इसने रोका है। जो वैस्कुलाइटिस होता है इम्यूनोलॉजिकल या इन्फेक्शियस हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स की डेपोजिशन, अनका, एंडोथेलियल सेल, एंटीबॉडी और आउटर रिएक्टिव टी सेल्स हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती है इसकी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ट्यूमर्स वाला टॉपिक है। ओके, जो वैस्कुलर एक्टेजिया होते हैं ये बिनाइन लीजंस होती है, डायलेशंस होती है एग्जिस्टिंग वेसल की। जो वेसल न्यूप्लाज्म होते हैं ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक्स के आ सकते हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, एंजियोसारकोमा, या वैस्कुलर वाल के कंपोनेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोमस ट्यूमर। मोस्टली बिनाइन होते हैं लाइक हेमेंजियोमा, कुछ इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं लाइक जो बिनाइन होते हैं, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी है, जो बिनाइन होते हैं इसमें हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, ग्लोमस ट्यूमर, वैस्कुलर एक्टेजिया और रिएक्टिव वैस्कुलर प्रोलिफरेशन है। इंटरमीडिएट के अंदर कैपोसी सार्कोमा और हेमेंजियो एंडोथीलियोमा है। कैपोसी सार्कोमा को याद रखना कि यह HIV के अंदर होता है। मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म एंजियोसार्कोमा और हेमेंजियो पेरिसाइटोमा आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया समरी रिवीजन ऑफ ब्लड वेसल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।